खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। केजरीवाल के प्लाज्मा डोनेट करने की अपील है यहाँ पर, और कोरोना की स्थिति में हुआ है और ज्यादा सुधार, ये कहना है मुख्यमंत्री केजरीवाल का। उन्होंने ये भी कहा है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आए हैं लोग, और ऐसे में इससे काफी सुधार भी आ रहा है। प्लाज्मा से लोगों को कोरोना से ठीक होने में मदद मिल रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं राजधानी में कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार की ओर से सुविधा दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना के मामलों ने दिल्ली में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन पिछले हफ्ते कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। दिल्ली में प्लाज्मा लेने वालों की अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था प्लाज्मा चाहिए तो कहाँ जाएं। अब वो अफरा तफरी कम हुई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर लोग, सबको पता है, ILBS जा सकते हैं, ILBS में प्लाज्मा मिल रहा है। पिछले 4-5 दिन में जितनी डिमांड है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा है, और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। मतलब प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम है, प्लाज्मा की मांग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। दिल्ली में अब रोज़ 20,000 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं, और अभी अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है, लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।